अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद, स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 2459+1 को लेकर कारी सुहैब साहब ने जारी किया ऑफिशियल पत्र। ऑफिशियल पत्र में उन्होंने क्या लिखा है तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। सरकार से उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया है 2459+1 को लेकर, और आपकी जो सैलरी कब से आना शुरू हो जाएगी, तो ये आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको पता है कि 2459+1 को लेकर जो 609 मदारिस का जो पटना हाईकोर्ट में जाँच को लेकर पेमेंट को रोक दिया गया, उसी से लेकर कारी सुहैब साहब ने एक रिक्वेस्ट किया। देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए, मोहम्मद सुहैब अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण समिति बिहार विधान परिषद। आप यहां पर पता भी देख सकते हैं कि ई 101 दरोगा प्रसाद राय पथ पटना 800001। यहाँ आप इनका देख सकते हैं जो ऑफिशियल उन्होंने पत्र लिखा। देखिए, सबसे पहले जो लिखा, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना, विषय 2459+1 कोटि के मदरसों को अनुदानित करने के संबंध में। महोदय, राज्य सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया था कि 2459+1 मदरसों की जांच विभागीय संकल्प संख्या 1090 दिनक 24/11/1980 में निहित शर्तों के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कराई जाएगी। जांच उपरांत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले मदरसों को सरकार द्वारा अनुदानित किया जाएगा। ये प्रक्रिया पूरे राज्य में चली और 2459+1 कोटि मदरसा अंतर्गत 205 मदरसा वर्ष 2013 में एवं 609 मदरसा वर्ष 2015 में, यानी कुल 814 मदरसों को अनुदानित किया गया है। देखिए, इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने ऑफिशियल एक पत्र लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार ने 2459+1 में से लेके पटना हाईकोर्ट ने जो 609 मदारिस को जो पेमेंट रोका, उसी को लेकर इन्होंने फिर ये जो पत्र इन्होंने ऑफिशियल जारी किया था, ये कुछ दिन पहले जारी किया था, बट इनको फिर से रीट्वीट किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक बिहार सरकार ने जो 4 हफ्ते का टाइम लिया था, उसके बाद फिर काफ़ी 4 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। इसीलिए कारी सुहैब साहब ने विधानसभा में बहुत ज़्यादा शिक्षा मंत्री को बोला, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैंने कल उस वीडियो को अपलोड किया था। उसके बाद फिर इसको रीट्वीट किया जा रहा है, क्योंकि आप रमज़ान आने वाला, ईद आने वाला, अभी तक कोई भी पटना हाईकोर्ट ने अभी तक कोई भी नहीं कुछ बोला है कि 609 मदारिस का पेमेंट कब होगा, क्योंकि 4 महीने का जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आप 4 महीने के बाद आगे बढ़ा दिया जाएगा, इसी तरह अगर आप करते रहेगा तो शिक्षक लोगों का क्या हाल होगा। इसी को लेकर विधानसभा में कारी सुहैब साहब ने बहुत ही ज़्यादा बात बोला, और इसको फिर इस पेपर को रीड की, देखिए जो पेपर है 17/1/2023, ये जो पेपर है 17/1/2023, यानी कि 2 महीना 2.5 महीना पहले का ये ऑफिशियल पत्र है, बट इनको फिर से रीट्वीट किया जा रहा है। देखिए, उसमें उन्होंने आगे जो लिखा, 609 मदरसा वर्ष 2015 में, यानी कुल 814 मदरसों को अनुदानित किया गया, जबकि जनवरी 2022 में से 130 मदरसे की फाइल प्रतिवेदन विभाग में है, और मदरसा बोर्ड ऑफिस में भी इस तरह की फाइल पड़ी हुई है जिसे मंजूर किया जाना है, लेकिन इसमें विलंब किया जा रहा है। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि अनुदान के लिए जिन मदरसों की फाइल सचिवालय या मदरसा बोर्ड में पड़ी हुई है, उसे प्रक्रिया अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए आदेश देने की कृपा प्रदान करना चाहेंगे। मोहम्मद सुहैब अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण समिति बिहार विधान परिषद। देखिए, बिहार विधान परिषद के ये समिति है, तो इन्होंने यही कहा कि आप फिर से जिनको पेमेंट आपने 609 मदारिस का रोका, उनको जल्द से जल्द आप पेमेंट दीजिए। इसी को लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले इन्होंने ऑफिशियल पत्र जारी किया था, उसमें इन्होंने 600 मदारिस का बात नहीं लिखा था, क्योंकि 609 मदारिस का जो पटना हाईकोर्ट ने जो रोका था, वो रोका था, आपको पता है कि 24/1 को रोका था, आपको जो पेमेंट रोका था 24/1/2023, यानी कि ये 17 को अबकिन इनके बाद 7 दिन के बाद इन्होंने पटना हाईकोर्ट ने ऑफिशियल एक जारी किया, उसमें जो लिखा उन्होंने कि 609 मदारिस का पेमेंट रोक दिया जाए, और जब तक जांच नहीं हो जाती है पेमेंट नहीं मिलेगी। कुछ दिन के लिए जांच हुई, फिर एक दिन और डेट बढ़ाया गया 14/15 फरवरी, इस तरह से आप 15 फरवरी के बाद डायरेक्ट क्या कर दिया गया, 4 महीने के लिए आगे डेट बढ़ा दिया गया। तो ये इसी को लेकर पटना
विधानसभा में इन्होंने कारी सोहैब साहब ने बहुत ज्यादा शिक्षा मंत्री को बोला कि आप इनको जो पेमेंट रोका है किस बुनियाद पर रोका, अगर एक मदरसा की गलती है तो आप सब मदरसे को क्यों पेमेंट रोका, अगर एक ने गलती किया तो आप सबकी क्यों भुगत रहे हैं। तो इसी को लेकर कारी सोहैब साहब बहुत ज़्यादा वहां पे शिक्षा मंत्री को बोला, बिहार सरकार को बोला, इसीलिए इसको फिर से रीट्वीट किया जा रहा है क्योंकि बिहार सरकार अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है 2459+1 को लेकर। शिक्षा मंत्री ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, इसी को लेकर बिहार सरकार को इन्होंने एक फिर से रीट्वीट किया जा रहा है कि बिहार सरकार इस पत्र को देखिए और जल्द से जल्द जिनका 609 मदारिस का पेमेंट रुका हुआ 2459+1 का जो मामला है जल्द से जल्द अच्छा फैसला करें क्योंकि बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन भी बन गया है। तो अब फैसला आने की आशंका ज़्यादा, अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे ने मुझे इस पेपर को इंस्टाग्राम पे शेयर किया था और उन्होंने बोझ में आ दे। तो ये आज की वीडियो, तो जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये बिहार सरकार के पास ये वीडियो जाए। तो ये आज की वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।